नमस्कार, मैं संदीप तिवारी, टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का फिर से एक बार स्वागत अभिनंदन करता हूं। सुपर टेट 2020 एक सफलता की यात्रा जो स्टार्ट की गई है हमारे चैनल की तरफ से, टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की तरफ से, आलोक सर के कुशल नेतृत्व में। अगर इस मुहिम को जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जो आप ही इसके जो है एक तरह के सूत्रधार हैं, आप ही के इम्प्रेशन से, आप ही की जो है प्रतिक्रियाओं से हम लोग जो है इस चीज को स्टार्ट किए हैं, तो हम लोग इस पर एक बहुत ही बड़े लेवल पर काम करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और आप सब इस बात को अच्छी तरह से जानते समझते हैं। टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट हमेशा से तटस्थ रहा है अपनी गुणवत्ताओं के लिए, अपनी जिम्मेदारियों के लिए, जिसके लिए आपको हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। इसी कड़ी में मैथमेटिक्स की हम जो क्लास लेकर आपके सामने आते हैं, वो एक तरह की जो है ऐसी क्लासेस होती है जिसका आप अच्छा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में, अपनी तैयारियों में। और उसी मकसद से हम लोग यहाँ पर तमाम सारे टीचर, जैसे लगातार आप देखते होंगे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आपको जो है अलग अलग विषयों के तमाम विषय विशेषज्ञ अपने अपने विषय के माध्यम से आपको चीजें बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं। आलोक सर का एक नेतृत्व इस सब चीजों के लिए हम लोग को तटस्थ करता, हम सबको प्रेरित करता है कि हम सब लोग भी इन सब चीजों में बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करें और बहुत अच्छी तरह से आपको जो है इन सब चीजों के बारे में, आपकी प्रिपरेशन में हम हेल्प कर सके, कुछ अपनी चीजों को बता सके। इसी उद्देश्य से आज मैथमेटिक्स की दूसरी क्लास या तीसरी क्लास हम लोग सुपर टेट की स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले मैं जानकारी देना चाहता हूँ, एक सफलता की यात्रा आपकी 2020 सुपर टेट के लिए स्टार्ट की गई है। इसमें आप सब लोग का जुड़ना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितनी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप हमसे जुड़ते हैं, वो हमारे लिए एक इनकरेजमेंट होता है, हमको एक साहस देता है। और हमारे तमाम सारे छात्र जो भी परीक्षार्थी अभ्यर्थी हैं, वो हमसे जुड़ने के लिए तमाम सारे रिसोर्सेज ढूंढते रहते हैं और तमाम सारे मैसेजेस कमेंट्स के माध्यम से आते रहते हैं। तो मुझे और संस्थान के तमाम सारे टीचर्स को इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी मिलती है कि हम लोग भी आपको जागरूक करें, चीजों के बारे में बताएं, जिससे कि आप जो है किसी भी प्रकार के बिना किसी कंफ्यूजन से हमसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सके, हमसे जुड़ सके। इस कड़ी में संस्थान की तरफ से एक ऑथेंटिक नंबर, एक व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड किया जाता है। और नंबर में क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आपकी अवेयरनेस के लिए, आपकी जानकारी के लिए संस्थान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर आपको प्रोवाइड करता है। जो नंबर ऑथेंटिक होता है संस्थान की तरफ से, इस पर डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पे एंट्री करके, आप केवल सिंपल सा लिख करके सुपर टेट एंट्री, बस इस नंबर पर आप एक मैसेज करते हैं ऑन व्हाट्सएप 9125 9125423936। आप जैसे इस नंबर पर मैसेज हमें करते हैं, हमें सूचना देते हैं, हमारे संस्थान की तरफ से आपको संपर्क किया जाता है और आपको संस्थान की गतिविधियों के बारे में आपको जागरूक किया जाता है। इन सब के साथ साथ भी जो हम लोग वीडियोस बनाते हैं पब्लिकली, आप देखते हैं नीचे एक स्क्रॉलिंग पट्टी चलती रहती है, इस पर भी बहुत सारे नंबर्स दिए रहते हैं। आप संस्थान के साथ इंटरेक्ट होने के लिए, संस्थान के साथ संस्थान की गतिविधियों में जुड़ने के लिए आप किसी भी प्रकार किसी भी नंबर पर आप संपर्क करिए। लेकिन हम लोग तमाम टीचर्स हमेशा और हम लोग की तरफ से यह सूचना आपको दी जाती है कि नंबर पर मैसेज करने के साथ साथ, मैसेज करने के बाद भी आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाना आवश्यक होता है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टास्क है। क्योंकि आप जैसे ही पेशेंस बनाते हैं तो आपको प्रॉपर सूचनाएं समय के साथ मिलती रहती है। आपके अंदर घबराहट नहीं आना चाहिए, हमें जैसे मैसेज किया, हमें जैसे सूचना नहीं मिली, समय नहीं मिला। बहुत सारे लोग हमसे जुड़ भी चुके हैं, मैं उनको भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम सब लोग उनसे जिम्मेदारियों से भी, बिल्कुल से भी किसी भी तरह से आपको गुमराह नहीं करने की स्थिति में है। हम लोग उन जिम्मेदारियों को लेने की स्थिति में और हमेशा हम लोगों ने निभाया है, ऐसी कोई बात नहीं है जिससे कि आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता है। जो हमसे डायरेक्ट अभी एडमिशन ले चुके हैं, जो जुड़ चुके हैं, वो सब लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट रहे, पूरी तरह से श्योर रहे, बहुत जल्दी हम सब लोग सुचारू रूप से क्लासेस लेकर आपके सामने आ रहे हैं। तो बाकी जो कुछ भी है, हम अपनी इस जो है क्लास के माध्यम से आपको जो टीचिंग है, जो भी मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करने जा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। जो क्लास आपको, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि हम लोग सुपर टेट को एक अलग तरह से प्रिपरेशन, अलग प्रकार की प्रिपरेशन मानकर चलते हैं। अगर आपने यूपी टेट में हमसे पढ़ा है और यूपी टेट की जो हम लोग मैथमेटिक्स पढ़े, थोड़ा सा उससे इसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो जाता है। कई सारी चीजें इसमें अप्रोच आपकी अलग हो जाती हैं, जो पूछने का तरीका है प्रश्नों का वो बदल जाता है, आपके जो है आपके चैप्टर्स भी डिफरेंट मोड में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे इसमें जो पहला चैप्टर आपको दिया है, मैंने पिछले दो क्लासेस में भी आपसे डिस्कस किया है, आपको जो चैप्टर का नाम दिया वो न्यूमेरिकल एबिलिटी है। अब आप इस न्यूमेरिकल एबिलिटी को कई तरह से, इस न्यूमेरिकल एबिलिटी को कई तरह से सोच सकते हैं, जिसको हम आंकिक क्षमता कहते हैं। आपके अंदर आंकिक क्षमता, आंकिक क्षमता होने का मतलब यह है कि अंकों के बारे में आप हर प्रकार के एनालिसिस कर पाए, हर प्रकार के कैलकुलेशन परफॉर्म कर पाए, मतलब तमाम प्रकार से आप जोड़ घटाओ गुणे भाग की गतिविधियों में शामिल हो सके, जिसमें जिस भी प्रकार का नंबर आपको दिया गया हो, चाहे भिन्न प्रकार का दिया गया हो, चाहे दशमलव रूप में दिया गया हो, चाहे आपका पूर्णांक के रूप में दिया गया हो,
हर प्रकार के नंबर्स पे आपकी एबिलिटी, आपकी क्षमता कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब प्रश्न कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कई लेवल का हो जाता है, कई अलग अलग प्रकार का वेरिएशन इसमें प्रोवाइड होता है। मैंने पिछली दो क्लासेस के माध्यम से आपको कुछ संख्याओं के वर्ग करने की और वर्गमूल याद करने की प्रक्रियाओं को समझाया, कॉन्सेप्ट को समझाया है। आज अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे चाहूंगा कि अगर आज इसको देख रहे हैं, जिसको भी देखिए, इसके पहले के दो वीडियो जो आपको पब्लिकली दिए गए हैं उस पर भी जाकर के आप सारी चीजों को समझिए, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। 2 से 4 नंबर आपने कंफर्म कर पाएंगे डायरेक्ट प्रश्न देख करके भी, और इनका प्रयोग करके भी आप लोग इस सारी चीजों को, इन सारी कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। अगर आप केवल सुपर टेट भी नहीं पढ़ रहे हैं, कोई अन्य परीक्षा की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे है कि वो आपके लिए हर प्रकार के टॉपिक में हेल्पफुल होंगे। मैं आज जो आपको टॉपिक कराने जा रहा हूँ, उस टॉपिक का नाम है आंकिक क्षमता का ही, मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी का ही है। मैं इस टॉपिक का नाम रखता हूँ क्यूब एंड क्यूब रूट। हम लोग इसको थंबनेल में भी आप देख रहे होंगे, घन और घनमूल, जिसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होता है, हर जगह पर इसका यूटिलाइजेशन होता है, पूरी अर्थमेटिक्स में, पूरे अंकगणित में, इवन आप एडवांस मैथमेटिक्स में भी इसका यूज बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, कि संख्याओं का घन करना और जो संख्याएं हमारे पास ऑलरेडी घन है उनका घनमूल ज्ञात करना, क्यूब एंड क्यूब रूट डिसाइड करना। तो मैं आपको बताता हूं कि अगर किसी भी प्रकार की एक संख्या आपको दी गई है, मान लीजिए कोई भी एक संख्या आपको दी गई है, उस संख्या जनरली हमने कहा कि x है, आप उस x का, किसी ने हमसे कहा कि इस x का मुझे घन करके बताएं, जैसे मुझे उसने कहा घन करने को तो मैंने लिखा x की पावर 3। x की पावर 3 होते ही वह संख्या अपने आप को 3 बार गुणा करेगी, मतलब x गुणे x गुणे x, और हमको प्रोवाइड करेगी x का क्यूब, जिससे तुरंत ही यह संख्या एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाती है, परफेक्ट क्यूब नंबर, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या। जैसे मैंने पिछली क्लास में, आप लोग अगर देखे हैं तो आपको पता होगा, मैंने कुछ वर्गमूल ज्ञात करवाया था और वह वर्गमूल मैंने पूर्ण वर्ग संख्याओं पर कराया था, मतलब जो संख्याएं ऑलरेडी वर्ग हैं उनका वर्गमूल ज्ञात करने का कॉन्सेप्ट, उनका वर्गमूल ज्ञात करने का तरीका मैंने आपको बताया था। उसी प्रकार से जैसे ही संख्या रहती है, संख्या का आप घन करते हैं तो नंबर बिकम्स परफेक्ट क्यूब नंबर, दैट मीन्स पूर्ण घन संख्या। और जरूरत पड़ने पर जब भी हमसे कहा जाए कि इसका घनमूल ज्ञात करिए, तो घनमूल में हम तुरंत ही x क्यूब का, जैसे ही घनमूल ज्ञात करेंगे यह संख्या x हो जाएगी। इसका घनमूल का रिप्रेजेंटेशन हम कुछ इस प्रकार से, क्योंकि हमको जो पूर्ण घन संख्या दी गई वह x क्यूब है, तो मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूं, या कोई हमको एग्जाम में इस प्रकार से भी लिख करके दे दे किसी कॉम्बिनेशन नंबर को, किसी नंबर को, तो हम आप उसको इस प्रकार से भी दिखा सकते, पावर भिन्न के रूप में 1/3 लगा के दिखा। इसका मतलब हमसे घनमूल करने को कहा जा रहा है, और हम घनमूल भी किसका करेंगे, पूर्ण घन संख्याओं का करेंगे, जो इस प्रकार की संख्या है, जैसे एक है, एक एक का घन है, 8 2 का घन है, 27 3 का घन है, 64 4 का घन है, तो जो ये संख्याएं हम बोल रहे हैं 1, 8, 27, 64, 125, यह सब घन संख्याएं पूर्ण घन संख्या है। आप इन संख्याओं का घनमूल ज्ञात करेंगे, और मैं 99.99% आपको सिक्योरिटी दे रहा हूं कि अगर परीक्षा में आपसे घनमूल से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, तो जो भी प्रश्न आपको दिया जाएगा, जो भी अंक दिया जाएगा, वह अंक आपका पूर्ण घन संख्या होगी। मैं पूर्ण घन संख्याओं को लेकर के मैं सारी चीजें आपको समझा रहा हूं, उससे पहले मैं आपको यह बताना जरूरी समझता हूं कि जैसे ही, मान लीजिए मैंने, अब थोड़ा सा मैं यहां पर एक्सपेंशन इसका करके दिखाऊं, मुझे एक संख्या दी गई थी, मान लीजिए 5 संख्या दी गई थी, 5 आपसे किसी ने कहा भैया इसका घन करिए, आपने तुरंत कहा 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 करते ही मान हमको 125 प्रोवाइड किया। अब हमको किसी ने कहा 125 का आप घनमूल करिए, जैसे ही घनमूल आप करेंगे, मैं आपको सिक्योरिटी दे रहा हूं कि संख्या तुरंत आपको क्या हो जाएगी, 5 प्राप्त हो जाएगी, आपको 5 मिल जाएगा। अब आप समझिएगा, अब अगर मान लीजिए हम कुछ घन को थोड़ा सा डिस्कस करें, जैसे संख्याओं के घन को भी ज्ञात करना हमको थोड़ा बहुत आना चाहिए, या हम तो यह कहते हैं आप लोगों से कि आप लोग अगर अच्छे कंप्यूटर हैं तो आप एटलीस्ट 30 तक का घन तैयार कर डालिए, याद कर डालिए, यह चीज आपको हमेशा आपके जहन में ही रहे। जैसे कुछ बातें हम लोग जब कंपटीशन करने के दौरान, कंपटीशन में परीक्षा देने के दौरान हमको हमारे जहन में हम कहीं पर रफ बना करके रख लेते हैं, उसी प्रकार से मैं आपसे कह रहा हूं कि 50 तक का वर्ग और 30 तक का कम से कम, या नहीं तो 25 तक का घन तो तैयारी कर डालिए, यह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इस बात को मेरी आप समझ रहे होंगे और जानते भी होंगे। हम थोड़ा सा घन के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ ट्रिक्स समझेंगे, हालांकि इसमें बहुत बड़े ट्रिक्स नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने की थोड़ी बहुत कोशिश करूंगा, आप लोग समझने की समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मुझसे कहे 0 का घन, मैं कहूंगा भैया 0, 1 का घन, मैं कहूंगा 1, 2 का घन, मैं कहूंगा 8,
तीन का घन मुझे बताना है 27, इसी प्रकार से चार का घन मैं कहूंगा 64, पांच के घन की बात जब आएगी तो हम कहेंगे 125। ऐसे ही अगर हम चलें, हम लिखे 6 का घन आप कहेंगे 216, आप कहेंगे 7 का घन 343 बताया जाएगा, 8 का घन 512 बताया जाएगा, 9 का घन 729 बताया जाएगा। और अब जैसे इसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो आप हमको, अगर जैसे हम कभी किसी ऑफलाइन क्लास में हो और मैं आप लोगों से कहूं कि इसके बाद बोलिए 10 का घन, तो आप कहेंगे 1000, 11 का घन 1331, 12 का घन 1728, 13 का घन 2197। धीरे धीरे आवाज खत्म होने लगती है, आवाज डाउन हो जाती है, मतलब लोगों को तैयार नहीं रहता है। फिर भी हम चाहेंगे कुछ हद तक चीजें तैयार करें, और नहीं भी तैयार है तो कम से कम 9 तक का घन तो किसी भी हालत में इतना तक तो आपको तैयार ही करके चलना है, इसके नीचे तो सोच के भी मत चलिए। 9 तक का घन किसी भी हालत में आपको याद रहना चाहिए, उसके ऊपर अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। मैं उसके ऊपर, क्योंकि आप सबको पता है कि जैसे जैसे संख्याओं का घन बहुत बड़ा एक्सपेंशन जनरेट करता है, बहुत तेजी के साथ संख्याओं को बहुत बड़ा बना देता है, इसलिए इसके बहुत रूल नहीं बनकर आते हैं, लेकिन हम कुछ रूल 2 डिजिट की संख्याओं के लिए आपको समझाने की कोशिश मैं आपको करूंगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए भी 12 का घन हुआ, 15 का घन हुआ, 35 का घन हुआ, 57 का घन हुआ, 52 का घन हुआ, इस प्रकार से 2 डिजिट की संख्याएं अगर हम उनका घन करना चाहें तो गुणे के अलावा भी हम तरीके यहां अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि उनका हम घन कर सके। मैंने आपको ये सब जानते होंगे, आप सब एक फार्मूला पढ़े होंगे a+b³, इसके बारे में हम सब जानते हैं, जिसका अर्थ होता है a³ + 2ab ब्रेकेट में a+b और दूसरे ब्रेकेट में b, सॉरी आगे लिखा जाएगा b³। अब इसको अगर हम अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़ा सा मैनेज करें, हम इसको 2 डिजिट संख्या के रूप में अगर ब्रेक करें कि इसको पहला डिजिट माने, इसको दूसरा डिजिट माने, हम a/b कर दें, मतलब प्लस हटा दें क्योंकि जोड़ने की ऐसी आवश्यकता तो होती नहीं है, मैं लिखो a³ / 3a² b, आप जैसे एक्सपेंशन करेंगे a² हो जाएगा, a³ / 3ab² आप समझ रहे हैं, 3ab का गुणा a और b में किया जा रहा है, b³। हम इस फार्मूले का प्रयोग करके हम 2 डिजिट की संख्याओं का घन ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूं यह बहुत बेहतर मेथड नहीं होता है। बहुत अच्छी अच्छी संख्याओं का, जो बड़ी संख्याएं होती है, उनका घन ज्ञात करने के दौरान आप समस्या फेस करेंगे। मैं कुछ जनरल तरीके आपको बता रहा हूं, इसलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहे 12 का घन, अब 12 का घन हमको पता है, याद भी है, लेकिन अगर हम इस फार्मूले का प्रयोग करके आपको बताएं, इसको आप ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए, अब जो फार्मूला लिखा है इसी फार्मूले पर अप्लाई करें। जैसे 1 का घन, भाई 1 का घन मतलब 1 का घन, 1 का घन 1 ही होगा, 3 × a² मतलब 1 का स्क्वायर गुणे 2, 3a² हो गया, 3ab² 3 × 1 × 2 का होल स्क्वायर और लास्ट में 2 का होल क्यूब। अब आप समझ गए होंगे 1 होगा, यह 3 × 2 = 6 होगा, यह आपका 4 × 3 = 12 होगा और यह आपका 8 होगा। अब आप इसको जैसे जरूरत है उसके हिसाब से लिखेंगे तो यह इंड का केवल 8 लिखा जाएगा, इसमें केवल 2 लिखेंगे, 6 में 1 जुड़ जाएगा, हासिल 2 = 7 बचेगा और अंतिम में हमारे सामने 1 है, 1728 हो गया 12 का घन। फार्मूले का प्रयोग करके हमने 1728 आपको 12 का घन बता दिया। इसी तरह से अगर हम फार्मूले का प्रयोग करके मैं आपसे कहूं भैया 34 का घन क्या होगा, आप कहेंगे 2 में ब्रेक कर दीजिए, ऐसे ही इसको 1 को हम ए मान लें, इसको हम बी मान लें। अगर हम उसी फार्मूले का प्रयोग करें जिसमें लिखा था a³ मतलब 3 का क्यूब, 3a² b, a² मतलब 3 का वर्ग गुणे b मतलब 4, ऐसे 3ab² 3 × 3 × 4 का वर्ग, लास्ट में 4 का क्यूब। अब आप जैसे इसको लिखेंगे होगा 27, इसको लिखेंगे तो आप 9, देखिए आप अगर इसको देखिए 27 × 4 हो जाएगा, मतलब 4 × 12 × 9 कर देंगे तो 108 होगा, ध्यान देते जाइएगा, समझ में आ जाएगा अभी ये आपका, देखिए 27 × 4 = 108 आप लिख सकते हैं, या तो ऐसे सोचिए 4 × 3 = 9, 4 × 3 = 12, 12 × 9 = 108 होता है, 9 और वहां पर 16 × 9 = 144 होता है, या अपने हिसाब से सोचिए 16 × 3 = 48 कर दीजिए 144 होगा, 144 भी हो रहा है, यहाँ पर 64। लिखने का तरीका देखिए, अंतिम से 4, 6 जोड़िए, इसमें 6 जोड़ते ही 144 आपका 6 जुड़ करके 150 हो जाएगा, शून्य कैरी 15 हो गया, 15 × 8 123 कैरी 3 हासिल, मतलब 3 हासिल 12 हो गया, 12 को इसमें जोड़ेंगे 27 में, 27 × 10 = 37, 37 × 2 = 39 हो गया, 39,304 आपके सामने 34 का घन प्राप्त हुआ।
34 गगन आप देख रहे हैं फार्मूले की मदद। देखिए लेकिन मैं आपको पहले से भी बता चुका हूं कि फार्मूला बहुत ही तेजी के साथ काम करने के साथ साथ आपको कंफ्यूजन भी बहुत प्रोवाइड करेगा, इसलिए हम बहुत ज्यादा घन करने पर बिलीव नहीं करते हैं, ना तो उस प्रकार के प्रश्न आते हैं। जो भी आते हैं बड़े लिमिटेड लेवल के आते हैं जिसको आप बहुत ही आसानी के साथ हैंडल या टैकल कर सकते हैं। मैं एक आंक और कर देता हूं जिससे थोड़ी सी फार्मूले पर स्योरिटी आपको बन पाए। जैसे आपसे कोई कहे 52 का घन, आप देखिए इसको दो पार्ट में ऐसे ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक करेंगे तो पहला तो ए होगा, दूसरा आपके पास यहाँ पर बी होगा। 5 का क्यूब करिए, 3 × 5 का स्क्वायर गुड़े 2 कर दीजिए, 3a² भी हो गया, 3ab² 3 × 5 × 2 का वर्ग कर दीजिए और लास्ट में आप 2 का क्यूब कर दीजिए। सॉल्व करिए, 125 आपको प्राप्त हुआ। यहां से 3 × 2 = 6 25 × 6 = 150 आपको प्राप्त होगा। ऐसे देखिए 4 × 3 = 12 × 5 = 60 × 4 × 12 = 60 आपको प्राप्त होगा। आप चाहे जैसे सोच सकते हैं और यहाँ पर 8 प्राप्त होगा। यहाँ पर सिंपली 8 लिखिए, यहाँ पर 0 लिखिए, 6 को इसमें जोड़िए 56, 156, 156 में 6 हासिल 15 लिखेंगे, 15 अगर 125 में जोड़ेंगे तो 140 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं 14 0 6 0 8 14 0 6 0 8 इस प्रकार की संख्याओं का आपको घन प्राप्त हो जाएगा। अब जैसे जैसे संख्याएं आप बढ़ाते चले जाएंगे यह मेथड उतना इफेक्टिव नहीं बन पाएगा। मैंने आपको बार बार इस बात को बताया, जो एक्सेप्ट करने की चीज है मुझे एक्सेप्ट करने में कोई समस्या नहीं होती है, मैं तुरंत उस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ। हाँ इसमें समस्या है, इसको बहुत ज्यादा आगे मत बढ़ाइए। आप खुद ही देख रहे हैं कि सिंपल से 52 का घन भी आपको 6 डिजिट की संख्या दे रहा है, तो बड़ी बात है। कहने का अर्थ होता है धीरे धीरे संख्याएं बहुत बड़ी होती चली जाएंगी और आपको समझ। मेन जो कॉन्सेप्ट है आज के इस वीडियो का, मैं आपको जो बताना चाहता हूं वह है घनमूल ज्ञान करना। आपको दी गई पूर्ण घन संख्याएं, मैं जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा आप सब लोग। यहां पर आप जो करेंगे वह घनमूल क्या ज्ञात करेंगे। घनमूल हम किसका करेंगे पता है, पूर्ण घन संख्याओं का करेंगे। पूर्ण घन संख्याओं का आप घनमूल ज्ञात करेंगे, यह पहला और अंतिम टर्म एंड कंडीशन है। लेकिन मैं आपकी इस बात की सियोरिटी दे रहा हूं कि इससे बेहतर आपको नहीं मिलेगा, यह बहुत ही बेहतर है आपके लिए। आप बहुत ही आसानी के साथ चंद सेकंड्स में उत्तर दे पाएंगे जब भी आपको कोई भी पूर्ण घन संख्या मिलेगी उसका घनमूल ज्ञात करने के दौरान। लेकिन मैं इसके लिए फिर वही आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी भी हालत में 0 से लेकर 9 तक का घन तैयार रखिए। 0 से लेकर 9 तक का घन अभी मैंने बोर्ड पर लिखा था, देखिए ये था आपका, यह था, मैंने आपको कहा था 0 से लेकर 9 तक का घन तैयार करिए किसी भी हालत में। इस घन को जैसे ही आपने अपने बोर्ड पर लिखा या अपनी कॉपी पर लिखा, कई बातें इसमें स्पष्ट होती। जब हम वर्ग करते थे तो इतनी सारी क्लियरिटी नहीं होती थी जितना घन करने के दौरान होता है। इसमें आप देख रहे हैं कि ए जब 100 संख्याएं घन, पहले तो नॉर्मल संख्याएं थी और नॉर्मल संख्याओं का घन किया तो पूर्ण घन संख्याएं बन रही है। इसका मतलब नॉर्मल संख्याओं के अंत में कुछ होता है और पूर्ण घन संख्याओं के भी अंत में देखिए कुछ ना कुछ आता है। आप सब समझ रहे होंगे मेरी बात को, इंड में कुछ आता है, उसी से हम लोग रीडिंग कर पाते हैं, समझ पाते हैं। तो जो अगर हमको पूर्ण घन संख्या दी जाएगी अगर उसके अंत में शून्य आएगा तो घनमूल, देखिए यह हमारी परफेक्ट क्यूब नंबर है, परफेक्ट क्यूब नंबर है। जबकि नॉर्मल नंबर अगर हम लोग लेंगे तो जो हमारे पास उसका जो मेन नंबर है उसके अगर परफेक्ट क्यूब नंबर के अंत में शून्य आएगा तो नॉर्मल नंबर के भी अंत में शून्य ही आएगा। आप देख सकते हैं परफेक्ट क्यूब नंबर के अंत में अगर 1 आएगा तो नॉर्मल संख्या के अंत में भी 1 आएगा। परफेक्ट क्यूब नंबर के अंत में अगर हमारे पास 1 आया तो उसके भी अंत में 1 आएगा। 4 आएगा तो उसके भी अंत में 4 ही आएगा। अगर हमारे पास 5 आया तो 5 ही आएगा। अगर हमको 6 मिला तो 6 ही आएगा। 9 मिला तो 9 ही आएगा। बस कंफ्यूजन जहां पर है मैं उसको आपको दिखाता हूं और उतनी ही बात आपको लेकर चलना है। अगर हम कह दें हमारे परफेक्ट क्यूब नंबर के अंत में 8 आया तो हमारे नॉर्मल नंबर के अंत में 2 आएगा। अगर हमारे परफेक्ट क्यूब नंबर के अंत में 2 आया तो नॉर्मल नंबर के अंत में 8 आएगा। इसका अर्थ ये हो गया कि जब भी आपके परफेक्ट क्यूब नंबर के अंत में 2 आएगा तो आपको नॉर्मल नंबर के लिए 8 लिखना पड़ेगा। उसी सेम प्रक्रिया में अगर 8 आएगा तो 2 लिखना पड़ेगा, मतलब 2 के लिए 8 लिखना पड़ेगा और 8 के लिए 2 लिखना पड़ेगा। इसी कड़ी में अगर परफेक्ट क्यूब नंबर के अंत में 7 आया तो नॉर्मल नंबर के अंत में 3 लिखना पड़ेगा। परफेक्ट क्यूब नंबर के अंत में अगर 3 आया तो नॉर्मल अंत में 7 लिखना पड़ेगा, मतलब 3 को 7 के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा, 3 को 7 के साथ और 7 को 3 के साथ, या ऐसे कहिए 2 को 8 के साथ, 8 को 2 के साथ, 3 को 7 के साथ, 7 को 3 के साथ, बस बाकी और कोई चेंज नहीं करना है। बस इतना सा ही परिवर्तन होता है, बाकी एज इट इज रहता है।
इसमें पूर्ण वर्ग की तरह नहीं था कि जब वर्गमूल ज्ञात करते तो उसमें कॉम्बिनेशन बनता था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देखिएगा, वहां थोड़ा सा चीजें कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन यहां सबसे आसान प्रक्रिया होती है, जब भी हम कोई संख्या हमको दी गई पूर्ण घन संख्या और मुझे कहा गया कि आप इसका घनमूल ज्ञात करिए, आप घनमूल ज्ञात करने के दौरान आपको मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि जब जब आप संख्याओं का घनमूल ज्ञात करोगे, आप संख्याओं का घनमूल अगर ज्ञात करेंगे, आप अपनी संख्या के अंत में देखिएगा और जो आंसर आएगा उस बात की स्योरिटी ले लीजिएगा। स्योरिटी ऐसे ले लिया, हमारे अंत में शून्य तो हम लिखेंगे शून्य, एक तो एक, चार तो चार, पांच तो पांच, छह तो छह, नौ तो नौ, बस दो के लिए आठ और आठ के लिए दो, तीन के लिए सात, सात के लिए तीन, काम खत्म। इतना सा ही चेंज करना है। इसी चेंज को अप्लाई करते हैं प्रश्नों के माध्यम से। अब आप लोग पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाएं और जो जो मैं प्रश्न करते जा रहा हूं एक मैं समझाऊंगा, बाकी धीरे धीरे आप खुद ही अपना इस पर रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देंगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। कोई भी संख्या उठा लीजिए, कोई भी संख्या, जैसे मैंने अभी जो करा है उसी को ले लेते हैं, जिसको मैंने अभी घनमूल यहां पर घन ज्ञात किया है उसी की बात मैं कर रहा हूं, उसी की एक संख्या हम लो लेते हैं। मान लीजिए जैसे मैंने इसी को ले लिया, किसी ने कहा भैया 39,304 है, आप श्योर है कि यह इसका किसका घन है, 34 का घन है। आप 39,304 हमको किसी ने दे दिया कि देखिए 39,304 है, बताओ यार इसका घनमूल क्या होगा, मुझे किसी ने दे दिया, मैं तुरंत इस प्रश्न को देख रहा हूं और इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, बाकी मैं आप लोगों से प्रैक्टिस करवाऊंगा, अभी सब कन्फर्म हो जाएगा। आपको मैं सोल्यूशन करने का सिस्टम बता रहा हूं, आप क्या करिए, अंत के तीन डिजिट लेके बाकी को छोड़ दीजिए, अंत के तीन डिजिट लेकर बाकी को छोड़ दीजिए, बाकी देखिए बचा कितना 39। अब आप एक ऐसी संख्या का चुनाव करिए जिसका घन 39 हो जाए या 39 से कम रह पाए, कम रह पाए। तो आपको पता है 3 का घन होता है 27, 4 का घन होता है 64, ये तब आप बता सकते हैं जब आपको 0 से लेकर 9 तक का घन तैयार होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे 3, इसके लिए हम 3 लिखेंगे क्योंकि 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होता है, मैं 3 लिखूंगा और यहां पर एंड में 4 है तो मैं 4 ही लिखूंगा। देखिए उत्तर आपके सामने आ गया, 34 था कि नहीं था, आंसर हो गया। ओरल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ओरल है सारे प्रश्नों को बड़ी आसानी। फिर से मैं समझा दूं, आप लोग जो लोग थोड़ा कंफ्यूज होंगे मैं आपको फिर से बता दूं, अंतिम के तीन डिजिट लेकर बाकी को छोड़ दीजिए, बचा 39। 39 के लिए आप एक ऐसी संख्या का चुनाव करिए जो 39 से कम हो, जिसका क्यूब 39 से कम हो। अब देखिए 4 का क्यूब 64 होता है, 3 का 27, 39 तो बीच में है, तो हम छोटी संख्या लेंगे, हम यहां पर इसके लिए 3 लिखेंगे और एंड इसका देखा 4 है तो 4 लिख दिया, आंसर हो गया 34। अब आप प्रैक्टिस पर आइए, थोड़ी सी प्रैक्टिस हम लोग करें जिससे कि हम अपने इस कॉन्सेप्ट को खूब स्ट्रॉन्ग कर सके, खूब मजबूत कर सके। एक संख्या आपको दिया मैंने और हमने कहा भैया इसका घनमूल बताइए आप क्या होगा, आपने कहा ठीक है, संख्या मेरे सामने 21952। आप सब लोग अब कमेंट करें, हमको उम्मीद है कि आप सब लोग तुरंत कमेंट करके बता सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। मैंने कहा अंतिम के तीन डिजिट लेके बाकी को छोड़ दीजिए, घनमूल कर रहे हैं, अंतिम का तीन डिजिट लेके बाकी को छोड़ दीजिए, बाकी बचा 21। अब मुझे बताएं 21 के लिए क्या लिया जाएगा, भाई 2 का घन 8 होता है, 3 का 27 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का 27, तो स्पष्ट है कि यहां पर लिखूंगा मैं 2। और यहां पर मैंने आपको बताया था कि एंड में देखिए क्या है, 2 है, मैंने कहा था 2 के लिए 8 लेना है, 8 के लिए 2, तो हम यहां पर 2 के लिए लिखेंगे 8, यहां पर 2 के लिए लिखा 8, तो उत्तर हो गया 28। उत्तर क्या हो गया 28। जब भी आपको एंड में यहां 2 मिले तो 8 लीजिए, 8 होता तो 2 लेता, 7 होता तो 3 लेता, 3 लेता 3 होता तो 7 लेता, बाकी सबके लिए तो एज इट इज लिखा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया 28 हो गया, 28 हो गया। आप कंफर्म हो गए होंगे, मुझे पूरा बिलीव है कि आप समझ पाए होंगे, अगर समझ पाए हैं तो दूसरा प्रश्न फिर दे रहे हैं, जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लीजिए। इस तरह के प्रश्न अगर हमको एग्जाम में मिले, 35937, अब आपको मैंने कहा भैया इसका भी घनमूल ज्ञात कीजिए, बताइए क्या होगा। इसका जब मैं घनमूल ज्ञात करने गया तो फिर मैंने अंत से तीन डिजिट लेके बाकी को छोड़ दिया, क्या मिला आगे 35। 35 के लिए किसका चुनाव, 35 के लिए 4 का चुनाव, 4 लिखेंगे यहां पर क्योंकि सॉरी 3 लिखेंगे क्योंकि 4 तो 64 प्रोवाइड करेगा, 35 के लिए 3 लिखा जाएगा। यहां पर 7, मैंने कहा था 3 के लिए 7 होता है तो 7 के लिए 3 होता है, तो 7 के लिए लिखिए 3, आंसर कितना हो जाएगा बताएं 33। आंसर कितना हो गया 33, स्पष्ट उत्तर है, देखते ही आंसर आप बता पा रहे हैं। इसके लिए जिस संख्या का चुनाव किया वह एक ऐसी संख्या थी जिसका घन 35 से कम था, तो 3 लिखा, 7 के लिए 3 लेते हैं तो आंसर हो गया 33, तो घनमूल आया 33। आप चेक कर सकते हैं मोबाइल पर, आप 33 का क्यूब करके देखिए, आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद मैंने एक संख्या लिखा, मैंने लिखा 2, 6, 2, 1, 4, 4।
262144। मैंने फिर से इस संख्या के लिए सोचा, मुझे दिया गया इसका घनमूल ज्ञात करना है, मैंने फिर से वह संख्या लिखी, मेरे पास है 262144। यहां पर देखिए, जैसे इस संख्या का घनमूल हम ज्ञात करने गए, इंड के 3 डिजिट लेके बाकी को छोड़ दिया। अब आपको अगर जैसे घन थोड़ा सा अच्छे से पता है, आपको पता है कि 262 एक बड़ी संख्या है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी नहीं कि हम घन डिसाइड नहीं कर पाए। भाई 5 का घन क्या होता है 125, 6 का क्या होता है 216, 7 का क्या होता है 343। हम किसके लिए लिखेंगे यहां पर, इसकी जगह मैं लिखूंगा 6, क्योंकि 6 का 216 होता है, 7 का 343 होता है, तो स्पष्ट है कि हम 6 को लिख पाएंगे। बस इंड में 4 है, तो बस इसके लिए भी 4 लिख लीजिए, उत्तर हो गया 64। कितना आसानी से आप उत्तर बता पा रहे, जल्दी से आप उत्तर बता सकते हैं। मैंने कहा इसके लिए हम लिखेंगे 6, इसके लिए लिखेंगे 4, आंसर हो गया 64, उत्तर आ गया आपके साथ। ठीक है, उत्तर आ गया। इसके साथ अगर मैं फिर से और नंबर लूं यहां पर प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा, अब जैसे इसको मैंने उठाया, इसको मैंने उठाया, इसका भी मैंने कहा कि आप घनमूल करके बताओ। मेरे सामने 4389976। आप यहां पर भी सेम प्रक्रिया फॉलो करिए, 3 लेकर के इंड का छोड़ दीजिए, और आप सब लोग प्लीज उत्तर दीजिए, सब लोग जल्दी जल्दी, जो लोग हम देख रहे हैं यहाँ पर वीडियो को, तुरंत उत्तर बताएं इसका क्या होगा। आपके पास है 438। अब आपको पता है कि 7 का 343 होता है, तो 8 का 512 होता है, तो स्पष्ट है कि हम यहाँ पर 7 का प्रयोग कर पाएंगे, 7 का प्रयोग कर पाएंगे, और इंड में है 6, तो हम 6 लिख पाएंगे, उत्तर मेरा 76 हो जाएगा। देखिए कितनी ओवरऑल आप उत्तर बता पा रहे हैं, आंसर इसका 76 हो जाएगा। कैसे, मैंने कहा 438, 438 के लिए किस संख्या का चुनाव करेंगे, 7 का 343 होता है, 8 का 512 होता है, तो 8 तो ले नहीं सकते, तो हम लिखेंगे 7, और यहां पर एंड में 6, तो कोई चेंज ही ना करके सिंपल सा लिख दिया मैंने 76 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं देखिए एक और प्रश्न उठाते हैं, इस पर थोड़ी सी और प्रैक्टिस किया जाए। अब देखिए इसका भी हमसे कहा गया कि इसका घनमूल आप ज्ञात करके बताएं। मेरे सामने है 970299। आप इस संख्या का जब घनमूल ज्ञात करने गए, तो आप देखिए आपके सामने क्या है, फिर से आपको पता है कि 970 पहले बन रहा है, आप हमेशा अंत का 3 डिजिट लेके बाकी को छोड़ेंगे, इतना दिमाग में रखिएगा, इंड का 3 डिजिट लेके बाकी को छोड़ेंगे, मैंने वही हर बार करने की कोशिश करी है। अब आप देखिए यहां पर आपके सामने 970 है, आपको पता है 9 का घन होता है 729, 10 का होता है 1000, तो 10 तो ले नहीं पाएंगे, हम किसका चुनाव करेंगे, 9 का, और यहां पर 9 है, तो 9 के लिए बिना कंफ्यूजन आप 9 ही लिख दीजिए, आंसर इसका कितना हो गया 99, या इसका घनमूल हो गया 99, आप लगा सकते हैं घनमूल। आप सबके रिस्पॉन्स समझ में आ रहे हैं कि आप सब लोग कर पा रहे हैं, सब अच्छे से सीख पा रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपको नहीं है। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे आपको परफेक्ट क्यूब नंबर मिलेगा, आप उन हर परफेक्ट क्यूब नंबर का घनमूल इजिली तैयार कर सकेंगे, इजिली बता सकेंगे। इसी कड़ी में मैं चाहता हूं कि कुछ दशमलव संख्याओं के घन और घनमूल को भी देखिए, दशमलव संख्याओं का घन और घनमूल। अब देखिए ध्यान से, थोड़ा सा दशमलव संख्याओं को भी लेना यहां पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मैंने कोई संख्या, आपको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूंगा, मैंने यहां पर एक संख्या लिखी और उसका घन संख्या में लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा अगर हम आपको एक संख्या दें, सोचिए मैंने लिखा 8, 8 का मैं घन कहूंगा तो आप लिखोगे भैया 512, आपको पता है इस बात की भी जानकारी। मैं कह दो यार 0.8 का घन बताओ क्या होगा, आप कहोगे सर 0.8 का भी घन आराम से, भाई आप यहां दशमलव तो भूल ही जाओ, पहली चीज सिंपल सा 8 लेके चलिए, तो 8 का 512 होता था, इसका भी 512 ही होगा, बट यहां पर एक अंक पे दशमलव लगा तो यहां पर 3 अंक पे दशमलव लगेगा। ठीक है, अभी थोड़ी देर में सब कंक्लूजन क्लियर होगा। यहां पर किसी ने कह दिया कि यार 0.08 का घन करना है, तो आप लिखोगे यार 512 तो लिखेंगे क्योंकि 8 है, बट यहां जब 2 अंकों पर लगा है तो यहां पर 6 अंकों पर दशमलव लगेगा। इसी तरह से अगर हमें किसी ने दे दिया 0.008 है और घन करना है, तो मैं 512 तो लिखूंगा ही, बट यहां पर 3 अंक पे लगा है जिसमें 9 अंकों पर दशमलव लगेगा। ये देखिए, तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि अगर मान लीजिए हम कभी किसी संख्या से उसका घन ज्ञात करें, तो हमेशा दशमलव का अंक निर्धारित करने के लिए 3 से गुणा करेंगे, 3 से क्या करेंगे, गुणा किया जाएगा। मैंने आपको बताया, जो आप समझिएगा कि जब भी कभी भी आपको संख्या से उसकी घन संख्या ज्ञात करनी है, दशमलव का अंक निर्धारित करने के लिए 3 से गुणा किया जाएगा। दूसरी बात, अब यह घन संख्या जिसको हम परफेक्ट क्यूब नंबर भी बोलते हैं,
परफेक्ट क्यूब नंबर को अगर हम इसकी वास्तविकता व या मूल संख्या दैट मीन्स घनमूल संख्या ज्ञात करना चाहें तो कैसे ज्ञात हो पाएगा, समझिए। अब मान लीजिए किसी ने आपको 512 दिया, जो प्रक्रिया है उसके तहत आप 512 है, 2 है इंड में, तो 2 के लिए 8 का प्रयोग करेंगे, तो चलिए उत्तर तो आ गया 8। 512 का स्पष्ट हो गया कि 8 है। कभी कभी आपकी परीक्षा के नेचर के हिसाब से डायरेक्ट इस पैटर्न पर भी प्रश्न पूछा जाता है कि 512 का घनमूल अगर 8 है तो इसका घनमूल क्या होगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे हैंडल कर पाएंगे। जब 512 का 8 है तो भले ही 0.5.2 दिया है तो मेरे दिमाग में चलेगा, लेकिन उस चलने के पीछे कारण क्या होना चाहिए मैं आपको बता दूं। कभी भी अगर पूर्ण घन संख्या होगी और दशमलव के अंक उसमें लगे हैं, मेरी बात को गौर करिएगा, पूर्ण घन संख्या होगी दशमलव के अंक उसमें लगे हैं तो दशमलव के अंकों का सिलेक्शन 3 के गुणज के रूप में किया जाता है। मतलब अगर 3 के गुणज में नहीं है दशमलव के स्थान तो उस संख्या का घनमूल आप प्रॉपरली नहीं ज्ञात कर सकते हैं। मतलब क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वह पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। यहां पर 3 अंकों पे दशमलव लगा है तो हम कर सकते हैं, 512 का हम ज्ञात कर चुके हैं इसका भी उत्तर 8 ही होगा, बट जब 3 अंकों पे दशमलव लगा है तो 0.8 लिखा जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट, अगर यहां पर 6 अंकों पर दशमलव लगा है तो 8 लिखेंगे बट 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे। ऐसे ही अगर 9 अंकों पे दशमलव लगा है 3 3 6 3 9 तो आप 8 लिखेंगे बट यहां पर 3 अंकों पे दशमलव लगाएंगे। तो कहने का अर्थ हुआ कि घन से अगर घनमूल करना है, घन से अगर घनमूल करना है तो दशमलव का अंक निर्धारित करने के लिए 3 से भाग दिया जाता है, भाग दिया जाएगा। मेरी बात को आप लोग समझ पाए होंगे, दशमलव का अंक निर्धारित करने के लिए 3 से भाग दिया जाएगा। यह सिस्टम है जो हमने आपको बताया, उसका एक पैटर्न है। अब इसमें एक बात समझ में आती है कि 512 को तो चलो 8 निकाल दिया, कभी कभी कंफ्यूजन होती है, कभी किसी ने हमको कह दिया 5.12 का क्यूब करना है, क्यूब रूट निकालना है, आपको लगा यार 512 को तो निकलता है, इसका क्यों ना निकाल पाएंगे, इसका नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। पूर्ण घन होने के लिए दशमलव का अंक आपके 3 के गुणज के रूप में होना चाहिए। मतलब 3 अंक पे लगा हो, 6 अंक पे लगा हो, 9 अंक पे लगा हो, तब कहीं जाकर के आप पूर्ण घन संख्या का, आप उसको पूर्ण घन संख्या मानते हैं और उसका घनमूल आप ज्ञात कर सकते हैं प्रॉपरली। इस पर कुछ प्रैक्टिस किया जाए जिससे कि आप लोग प्रॉपर वे में इस पे भी अपना कमांड कर सकें। मेरे सामने देखिए कुछ प्रश्न है, इस प्रश्नों का भी उत्तर मुझे करना है। करने से पहले मैं इस बात की सियोरिटी चाहूंगा, करने से पहले, क्योंकि मुझे इस बात की तो सियोरिटी है कि यह पूर्ण घन संख्या होगी जो डिजिट है, बट जो दशमलव के अंक हैं वह दशमलव के अंक आपके क्या 3 अंक 6 अंक 9 अंक पे है, तो 3 अंक पे तो दिख रहे हैं, बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा दिख रहा है तो आप बिना किसी कंफ्यूजन के 79507 का घनमूल ज्ञात करिए जैसे अभी तक करते आए हैं। क्या करेंगे बताइए, इंड के 3 डिजिट लेके बाकियों को छोड़ देंगे, बाकी में मेरे पास 69 बचा, 4 का घन 64 होता है तो मैं यहां पर 4 लिखूंगा और 7 के लिए 3 का प्रयोग किया जाता है तो यहां पर मैं 3 लिखूंगा, बट यहां पर 3 अंकों पे दशमलव लगा है इसलिए 1 अंक पे दशमलव लगा के इसका उत्तर मैं किसी को भी 4.3 बताऊंगा। 4.3 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और यही इस संख्या का पूर्ण घन संख्या मानी, यही इस संख्या की घनमूल संख्या मानी जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस में हम अगले प्रश्न पर आते हैं, थोड़ा सा और रिस्पॉन्ड। अब देखिए यहां भी दशमलव का अंक लगा है, सबसे निश्चिंत पहली सियोरिटी तो मैं यही करूंगा कि दशमलव के अंक कितने अंक पे लगे हैं, तो 3 3 6 अंकों पे दशमलव का अंक निर्धारित किया गया है, तो संख्या पहले मानिए 85184। यहां पर आपको बस केवल दशमलव का अंक भूल करके पहले घनमूल प्रॉपरली ज्ञात करिए। 3 अंकों पर है छोड़ दीजिए, 3 अंकों को लेके छोड़ दीजिए, बाकियों को छोड़ दिया तो मेरे सामने यहां पर 85 हुआ। 85 के लिए आप समझ गए हैं कि 6 का ही प्रयोग किया जाएगा, सॉरी 4 का ही प्रयोग किया जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि 4 का घन 64 होता है, 5 का घन 125 होता है, इंड में यहां पर 4 है तो मैं 4 का ही प्रयोग करूंगा, 4 के लिए कोई चेंज तो होता नहीं है। दशमलव के अंक यहां पर 6 अंकों पे लगाए गए हैं तो 2 अंकों पे दशमलव का अंक लगाया जाएगा, तो 0.44 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 0.44 का क्यूब अगर करोगे तो आपको इतना प्राप्त होगा जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। अगला देखिएगा इसी सीक्वेंस में, मैंने फिर से एक संख्या देखी, अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते चले जा रहे हैं धीरे धीरे। यह संख्या मिली, पहला काम दशमलव का अंक काउंट करिए, कितने अंकों पर लगा है, 3 3 6 3 9 अंकों पर लगा है, 9 अंकों पर लगा है तो सबसे पहले वह संख्या लाइए जो आपको दी गई है, 59319।
मैंने तुरंत पहले इसका काम किया कि इसका घनमूल ज्ञात करें, 3 अंकों को लेके बाकियों को छोड़ दिया। मेरे सामने क्या है 59, मेरे सामने है 59, मैंने 59 के लिए लिखा 4, सॉरी 4 क्यों लिख नहीं लिख पाएंगे आप ना, आप तो केवल 3 लिख पाएंगे, क्यों? क्योंकि 4 का तो आपको पता है घन 64 होता है, जबकि 59 4 64 से कम है। इंड में है 9, तो 9 का तो 9 ही लिखा जाएगा। बट दशमलव क्यों? क्योंकि 9 अंकों पे लगाए गए थे, जिसमें 3 अंक पे लगाए जाएंगे तो 0.039 या इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, 0.039 इस प्रश्न का सही आंसर माना जाएगा। अब आपके सामने देखिए अंत में कितना है, 9 है, तो आप इसके लिए इस संख्या का यहाँ पर यूज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर कितना है, 59139 इस प्रश्न का सही उत्तर आपके सामने कितना हो गया है, इस प्रश्न का आपके सामने उत्तर हो गया है 0.039, ठीक है 0.039, ठीक। चल इसी के साथ साथ हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और सीक्वेंस पर आएंगे। देखिए और एक प्रश्न की प्रैक्टिस किया जाए, तो मेरे सामने देखिए एक अगला प्रश्न है, इसका भी अगर हम लोग यहां पर घनमूल ज्ञात करने गए तो पहला काम क्या करेंगे, पहला काम यही करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे 3, 3, 6 अंकों पे दशमलव लगाया गया है, तो आप समझ जा रहे हैं, आप श्योर हो पा रहे हैं कि आप घनमूल कर सकते हैं। आप तुरंत उस संख्या को उठाइए 658503, आप इसको लेकर चलिए और पहले इसका घनमूल ज्ञात कर डालिए। अब देखिए जैसे हमको दिया 658, अब 658 के लिए आप किस संख्या का चुनाव कर सकते हैं, आपको पता है 8 का वर्ग 512 होता है, 9 का वर्ग 729 होता है, तो आप जाहिर सी बात यहां पर लिखोगे 8, 3 के लिए आप प्रयोग करते हैं 7 का, तो आप लिखेंगे यहां पर 7, 87। अब आप मुझे बताइए 3, 3, 6 अंकों पर दशमलव लगा है तो 2 अंकों पर दशमलव लगेगा, इस प्रश्न का उत्तर 0.87 हो जाएगा या इस प्रश्न का सही आंसर माना जाएगा, 0.87 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आप इसको लगा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, एक प्रश्न और लेते हैं, देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न आपके सामने है, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं। सबसे पहली चीज हम दशमलव ही काउंट करेंगे दशमलव के प्रश्नों में, आप देखिएगा 3, 3, 6 अंकों पर दशमलव लगाया गया तो पूरी संख्या उठाकर लाइए 1030301, आप इसको देखिए, इसका क्यूब रूट करने की कोशिश करिए, कैसे करेंगे बताएं। यहां पर भी वही सेम प्रक्रिया, 3 अंकों के बाद छोड़ दिया तो मुझे मिला 1030, थोड़ा सा यहां पर बात आपकी सिंसियरिटी की, 1030 है, आपको पता है 10 का क्यूब 1000 होता है और 11 का क्यूब 1331 होता है, जितना हमको तैयार रहेगा उतना हम रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। अब इसका मतलब इसको हम लिखेंगे 10, कितना लिखेंगे 10, और यहां पर क्योंकि 1 है तो 1 के लिए किसका चुनाव करते हैं, 101 हो गया, लेकिन 6 अंकों पर दशमलव लगा है तो 2 अंक पे दशमलव लगा करके इस प्रश्न का उत्तर 1.01 माना जाएगा, यह इस संख्या का घनमूल कहा जाएगा, 1.01 विल बी द क्यूब रूट ऑफ दिस क्वेश्चन। आप समझ पा रहे हो जो मैं आपको बातें बता रहा हूं, मुझे पूरी उम्मीद है जितना मैंने बताया आपको अच्छे से आपको समझ में आया होगा, और यह बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट कॉन्सेप्ट था, मुझे इस बात को बताने में कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप सब लोग अगर इस चीज को तैयार करते हैं तो मैं श्योर हूं कि आप सब अपने एग्जाम में अच्छा रिस्पॉन्स कर पाएंगे, कहीं ना कहीं आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी, आंकिक योग्यता, आंकिक क्षमता आपकी इंप्रूव होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं इस क्लास को समाप्त करूंगा और बहुत ही जल्दी आपके सामने एक नया सेशन लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की तरफ से। मैं फिर से एक बार सभी का आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, मिलते हैं हम लोग फिर से नए सेशन में, बहुत बहुत धन्यवाद।